आपको बहुत शॉर्ट में बताता हूँ कि इस बार जो 2019 के लोकसभा चुनाव में कौन कितनी सीटें हासिल कर सकता है, जो अभी के कयास हैं उनके आधार पर हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले जान लीजिए पूरे देश में कितनी सीटें हैं और राज्य बार क्या क्या स्थिति है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि देश भर में 543 सीट्स हैं। दो सीटें नॉमिनेटेड होती हैं, यानी 545 सीट्स हैं। जो स्पष्ट बहुमत के लिए चाहिए वो 272 का आंकड़ा चाहिए। उनमें देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में 80 सीटें और सबसे कम सीटें सिक्किम में हैं, एक सीट। ये आप देख रहे हैं, इसमें राज्यवार सीटों का ब्यौरा दिया हुआ है, जिसे आप स्क्रीन पर बहुत आसानी से धीरे धीरे करके पढ़ सकते हैं। जो मैंने आपको बताया वो राज्यवार ब्यौरा है। इस बार क्या नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बन पाएंगे, ये बड़ा यक्ष प्रश्न लोगों के सामने है। जो हमारे पास सर्वे रिपोर्ट से उसके हिसाब से हम आपको बता देना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो है इस बार कांटे की जंग है, और यहीं से जो है फैसला होगा कि कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री और कौन पार्टी इस बार जीतेगी। 543 सीटों में से 131 सीटें आरक्षित हैं। इनमें एससी के लिए आरक्षित हैं 84 और एसटी के लिए 47 सीट। चलिए अब हम बात करते हैं पोल की। 2019 में जो कुल सीट्स हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर 244 सीट जीतने जा रही है, जबकि उसके जो सहयोगी हैं वो 55 सीट जीते हैं। यानी एनडीए जो है इस बार सरकार बनाएगा 299 सीटों के साथ। इसके बाद हम बात करेंगे कि यूपीए को क्या सीट मिलेंगी। तो यूपीए को मिलेंगी 152 सीटें टोटल मिलाकर के, और जो ना यूपीए में है ना एनडीए में है, ना उन्होंने कोई थर्ड फ्रंट बनाया है, ना किसी तरह का और कोई उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया है, वो 92 सीटें लोकसभा में हासिल करने में कामयाब होंगे। इस तरह से अगर पार्टी बार बात करें तो यूपीए में जो यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस जो है उसमें कांग्रेस अकेली अपने दम पर 86 सीट जीत पा रही है। अब एक बहुत बड़ी जो जिज्ञासा लोगों के मन में है, क्या सपा बसपा कुछ कमाल कर पाएंगी? तो सपा बसपा 20 सीटें ही जीत पा रही हैं उत्तर प्रदेश की। इस तरह से ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 23 सीट जीत सकती है, टीडीपी 11 है, डीएमके 14 है, एआईडीएमके 20, जेडीयू 12, जेडीएस 6, शिवसेना 12, शिरोमणि अकाली दल 3, आम आदमी पार्टी 1, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी 8, एनसीपी मतलब लेफ्ट 15, टीआरएस 9, वाईएसआर 5, बीजेडी 13, अदर 41 सीट्स जीत सकते हैं। इस तरह से हमने आपको बताया कि इस पोल में कौन जीत रहा है। तो एनडीए के पास अभी फिलहाल में 15 राज्य, यूपीए के पास एक राज्य, थर्ड फ्रंट के पास राज्यों की संख्या 12 है, और कांग्रेस सेल्फ के पास सिर्फ 5 राज्य हैं। इस तरह से देखें तो कुल दल जो यूपीए में है वो 28 हैं, कुल सीटें लोकसभा की 82 हैं, उनके पास अभी कुल सीटें राज्यसभा में 72 हैं। एनडीए जो है 299 सीट के साथ सरकार में आने जा रहा है। हमारे इस पोल के मुताबिक ये पोल जो है देश भर में फैले जर्नलिस्टों के ओपिनियन के आधार पर तैयार किया गया है। अब आप जानना चाह रहे होंगे राज्यवार क्या स्टेटस है। अगर इस राज्यवार स्टेटस को समझने की कोशिश करें तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि क्या सीटें कहाँ से आएंगी। उत्तर प्रदेश में 80 में 71 सीटें जीती थी चौथा में, अब इस बार 54 जीतेगी बीजेपी। महाराष्ट्र में 48 में 22 जीती थी, इस बार 18 जीतेगी। पश्चिम बंगाल में 42 में से 2 जीती थी, इस बार 12 जीत सकती है। बिहार में जो 40 सीट है 40 में से 22 जीती थी, इस बार 12 जीतेगी बीजेपी। तमिलनाडु में 39 में से 1 जीती थी, इस बार 2 जीतेगी। मध्य प्रदेश में 29 में 27 जीती थी, इस बार लेकिन 25 सीटों संतोष करना पड़ेगा। वहीं बीजेपी जो है तेलंगाना में 17 में से 1 जीती थी, इस बार 3 जीतेगी। झारखंड में 14 में से 12 जीती थी, 10 जीतेगी। असम में 14 में से 7 जीती थी, इस बार 9 जीतेगी। पंजाब में 13 में से 1 जीती थी, इस बार 2 जीतेगी। छत्तीसगढ़ में 11 में से 10 जीती थी, इस बार 8 पर ही संतोष करना पड़ेगा। हरियाणा में 10 में से 7 जीती थी, लेकिन इस बार एक सीट बढ़ करके 8 सीटें बीजेपी जीत सकती है। दिल्ली की 7 सीटें जीती 14 में, 7 में इस बार भी 7 के 7 सीट जीत सकते हैं। जेएनके में 6 में से 2 जीती थी, 2 की 2 जीत सकते हैं। उत्तराखंड में 5 जीती थी, 5 की 5 जीती थी, इस बार भी 5 जीत सकते हैं। हिमाचल में 4 जीती थी, इस बार 2 जीत सकते हैं। केंद्र शासित राज्य 6 राज्यों में 1 जीती थी, इस बार 3 जीत सकते हैं। पूर्वोत्तर के 10 राज्यों में 1 जीती, इस बार 3 जीत सकते हैं। सिक्किम की 1 सीट में जो है बीजेपी नहीं जीती थी, इस बार भी नहीं जीतेगी। गोवा की 2 में से 1 सीट बीजेपी जो है जीत सकती है। कर्नाटक की 28 सीटों में से 15 जीते थे, इस बार 10 जीतेंगे। गुजरात में 26 की 26 जीती थी, इस बार 24 जीतेंगे। राजस्थान में 25 की 25 जीती थी, इस बार 15 जीतेंगे। आंध्र प्रदेश में 25 में से 2 जीती थी, इस बार 4 जीत सकते हैं। ओडिशा में 21 में से 1 जीती थी, इस बार अच्छी स्थिति हो सकती है, 5 जीत सकते हैं। लेकिन केरल में पिछली बार भी खाता नहीं खुला था, इस बार भी खाता खुलने की उम्मीद भाजपा के लिए ना के बराबर है।
इस प्रकार से देखें भाजपा के सहयोगी जो बाद में हो सकते हैं उनमें एक TRS है, YSR कांग्रेस, ये YSR कांग्रेस जो है जगनमोहन रेड्डी की, और TRS जो है CS राव की है। NDA घटक दलों का जो प्रदर्शन है वो RPI ने पिछली बार 0 जीती, इस बार 1 जीत सकती है। NDPP ने 1 जीती थी, 1 फिर जीतेगी। AINRC जो कांग्रेस है वो 1-1 जीतेगी इस बार भी। सहयोगी दलों में जो अपना दल ने 2 जीती थी, इस बार 1 जीतेगी। SWP ने 1 जीती थी, 1 ही जीतेगी। PMK ने 1 जीती थी, 1 ही जीतेगी। और सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट ने 1 जीती थी, 1 ही इस बार जीतेगी। इस तरह से AIDM की 37 में से 20 जीत सकती है, पिछली बार 37 जीती थी। JDU 2 जीती थी, 9 जीतेंगे। LDP ने 6 जीती थी, 4 जीतेंगे। शिवसेना 18 से 12 पहुंचेगी और शिरोमणि अकाली दल 4 से घटकर 2 पर आ सकता है। ये रहेंगे हालात। अगर आपको ये ओपिनियन पोल अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। ये जो ओपिनियन पोल है ये देशभर में फैले जर्नलिस्ट और सामाजिक जागरूक लोगों से बातचीत के आधार पर बनाया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।